बात कर रहे थे कि डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करने से पहले ये बताओ कि ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, पता है कुछ भी जो ऑसिलेटर के बारे में बताओ। क्या काम करते हैं ऑसिलेटर? सर आपने बताया था कि ऑसिलेटर से हम लोग कॉस या साइन फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। इन हाँ ठीक है, इन जनरल ऑसिलेटर हमारे बेसिकली इसी काम आते हैं कि कोई भी साइनसोइडल, कोई भी इन जनरल बोले तो कोई भी फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के लिए हम ऑसिलेटर्स को यूज़ करते हैं। मीनिंग ऑसिलेटर एक ऐसी डिवाइस जहाँ पे तुम एक ऐसा सिग्नल जनरेट करोगे जो पीरियोडिक होगा और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ऑसिलेशंस के बारे में सबको पता होगा, सभी ने 11 12th में सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा होगा, वो पेंडुलम वाला एग्जांपल सभी ने किया होगा कि इधर जा रहा फिर वापस आ रहा फिर जा रहा फिर आ रहा। ठीक, तो वो बेसिकली ऑसिलेशंस हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो अपने पाथ को या अपने अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से अगर उसको हम सिग्नल के फॉर्म में बनाएं तो जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं तुम्हारे पीरियोडिक सिग्नल जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए ठीक है हम क्या करते हैं, ऑसिलेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, इन जनरल हम जो सिग्नल्स ऑसिलेटर से जनरेट कर रहे हैं वो तुम्हारे कोसाइन और साइनोसॉइडल वेव्स हैं। ठीक है, एसी कॉस ओमेगा सी टी या एसी साइन ओमेगा सी टी। ठीक, अब एक जनरल अगर हम एकदम बेसिक ऑसिलेटर की बात करें तो होगा एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। ठीक है, हमने अपना इंडक्टेंस ज्यादा रखने के लिए हमने यहाँ पे दो इंडक्टर रखे। ठीक है, इन जनरल जो बेसिक तुम्हारा ऑसिलेटर होगा उसमें एक इंडक्टर एग्जिस्ट करेगा और एक कैपेसिटर। आई गेस मे बी नेटवर्क में तुमने इस तरह का ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो तुम्हारे इंडक्टर्स हैं वो तुम्हारे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करते हैं और जो तुम्हारे कैपेसिटर हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब इंडक्टर और कैपेसिटर को इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो तो बेसिकली होता क्या है, ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में यहाँ पे ऑसिलेशंस होते रहते हैं। मीनिंग दोनों एनर्जी एक एक की वजह से दूसरी जनरेट हुई, दूसरी की वजह से पहली जनरेट हो रही है ना। ये बातें हमें पता है कि हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी के वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है और उस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उस एनर्जी के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पे हमें एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती हुई दिखाई देती है और वो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे इक्वल टू होती है F is equal to 1 upon 2 pi under root L equivalent into C। अगर कोई हमने LC ऑसिलेटर बनाया है तो वो LC ऑसिलेटर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा वो कुछ इस टाइप की होगी। यहाँ पे L equivalent क्या है, टोटल जो तुम्हारा इंडक्टेंस है और C equivalent क्या है, जो टोटल कैपेसिटेंस है। ठीक, इस तरीके से हम एक किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ का एक सिग्नल जनरेट कर सकते हैं इस ऑसिलेटर की हेल्प से। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम आउटपुट ले लें तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो एक इस फ्रीक्वेंसी का हमें सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे अगर एल इक्विवेलेंट की बात करें तो इंडक्टर्स तुम्हारे सीरीज में है, क्या हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2 इंटू सी। ठीक, ये हो गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक, अब मान लो हमने इस फ्रीक्वेंसी का यहाँ से सिग्नल जनरेट किया, दैट मीन्स जो हमने सिग्नल जनरेट किया वो क्या है, एच टी इज इक्वल टू या
सीटी इज इक्वल टू एसी कॉस 2 पाई एफ टी। एफ क्या है यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी, ये जो हमने सिग्नल जनरेट किया, ये बेसिकली क्या है, लोकल ऑसिलेटर से हमने इस सिग्नल को जनरेट करा लिया है, एक एफ फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है यहाँ पे, ठीक। और ये एफ फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो हमने यूज किए। नाउ अब अगर ध्यान से देखें तो इनिशियली ये तुम्हारा जो ऑसिलेटर ने जो जनरेट किया वो क्या जनरेट किया है भाई, एक तरीके का करियर सिग्नल, एक तरीके का एक साइनोसॉइडल सिग्नल जनरेट कर दिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ फिक्स है, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी इसकी कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना है, हमें अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना है तो कुछ ऐसा करना होगा कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फिनोमिना कहता है कि भाई जैसे जैसे मैसेज का एम्पलीट्यूड चेंज होता है वैसे वैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना, जैसे जैसे हमारा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। जहां पे मैसेज सिग्नल पॉजिटिव है वहां पे फ्रीक्वेंसी हायर होगी, एफ आई ग्रेटर देन होगी एफ सी, और जहां पे मैसेज सिग्नल नेगेटिव है वहां पे एफ आई लेस देन होगी। मीनिंग ये हमें क्लियर है कि अगर हमें एक एफएम सिग्नल जनरेट करना तो मीनिंग हमें कुछ ऐसी डिवाइस बनानी पड़ेगी, वो डिवाइस करे क्या कि मैसेज सिग्नल का जो वोल्टेज है यानी जो इसका एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड के साथ साथ में उस एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करे। मीनिंग एक ऐसा सर्किट हमें चाहिए जो एक फ्रीक्वेंसी का जनरेशन कर रहा हो, ऑसिलेटर हो, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी का जनरेशन कांस्टेंट ना होके इस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ वेरी करे। तो उसके लिए दो ही तरीके हैं, या तो कुछ ऐसा करो कि इस इंडक्टर को मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट बना दो या इस कैपेसिटेंस पे। मीनिंग या देखो यहाँ पे अगर हमें फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करना है तो या तो हम इंडक्टेंस चेंज कर सकते हैं, कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं मैसेज सिग्नल के साथ, ठीक। अगर ये कैपेसिटेंस मैसेज सिग्नल के साथ चेंज होने लगे या इंडक्टेंस मैसेज सिग्नल के साथ चेंज होने लगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तुम्हारी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड, और यही हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। तो ध्यान करो जब हम लोगों ने एडीसी में डायोड पढ़े थे तो हम लोगों ने एक डायोड का नाम पढ़ा था वैरेक्टर डायोड, एक डायोड हम लोगों ने पढ़ा था जिसको नाम दिया गया था वैरेक्टर डायोड, ठीक। ये वैरेक्टर डायोड हम लोगों ने तब देखा था जब हम डिफरेंट कैपेसिटेंस देख रहे थे, जब हम डायोड से रिलेटेड डिफरेंट कैपेसिटेंस देख रहे थे तब हमने इस वैरेक्टर डायोड की बात की, ठीक। अब इन जनरल जब हमने डायोड पढ़ा था तो वहां पे हमने डायोड का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या बताया था, एप्सिलॉन A अपॉन W, यहां W क्या थी, डिप्लीशन दर है ना। हमने दो तरीके के कैपेसिटेंस पढ़े थे, एक फॉरवर्ड बायस में एक रिवर्स बायस में, ठीक। और जो रिवर्स बायस का जो तुम्हारा कैपेसिटेंस था जो डिप्लीशन ग्रुप की डिप्लीशन रीजन में अकर करता था, डिप्लीशन रीजन में जो आयंस अवेलेबल है उन आयंस के डाइपोल बनने की वजह से जो तुम्हारा कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता था, ठीक, उस कैपेसिटेंस पर बेसिकली डिपेंडेंट ये डायोड बनता है, ठीक है, वैरेक्टर। ध्यान से समझो कि एक डायोड हमने अभी मान लो अगर वैरेक्टर डायोड नहीं याद आ रहा है तो एक चीज समझो कि एक डायोड हमने बनाया, हमें पता है कि डायोड के अक्रॉस जैसे जैसे हम वोल्टेज चेंज करेंगे डिप्लीशन विड्थ चेंज होगी, ठीक। दूसरा पॉइंट हमें पता है कि उस डिप्लीशन विड्थ की वजह से, ठीक है, उस डिप्लीशन रीजन की वजह से एक कैपेसिटेंस भी वहां पे अकर कर रहा है और उस कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ ये है, जहां पे डब्ल्यू क्या है तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ,
और ये डिफिनेशन जो है डिपेंडेंट है अप्लाइड वोल्टेज पे, हमारे पास एक डायोड है जिसका डिप्लीशन कैपेसिटेंस डिप्लीशन विड्थ पे डिपेंड कर रहा है और डिप्लीशन विड्थ अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड। अब ध्यान से समझो तो क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर देगा? हमें क्या चाहिए? मैसेज सिग्नल का वोल्टेज पे कैपेसिटेंस डिपेंडेंट हो जाए किसी तरीके से, अप्लाइड वोल्टेज पे यानी अप्लाइड मैसेज सिग्नल पे कैपेसिटेंस डिपेंडेंट हो, मीनिंग जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज चेंज करें वैसे वैसे हमारा कैपेसिटेंस वैरी करे। ठीक, तो ये तो था हमारा जनरल ऑसिलेटर। ठीक, इसको हमने मैसेज सिग्नल के साथ ये वैरी करे, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक यहाँ पे हमने एक वैरेक्टर डायोड लगा दिया। अब ये वैरेक्टर डायोड का जो सिंबल है कुछ नॉर्मल डायोड और उसके आगे ये ऐसे सी का सिंबल और इनको ऐसे कट कर। ठीक, ये तुम्हारा वैरेक्टर डायोड का साइन। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये वैरेक्टर डायोड लगा दिया। अब इस वैरेक्टर डायोड का भी अपना कुछ कैपेसिटेंस होगा, लेट्स से इसको हमने इसको C1 कह दिया और इसको C2 कह दिया, और ये C2 इस वैरेक्टर डायोड के अक्रॉस जो तुमने वोल्टेज अप्लाई किया उस पे डिपेंडेंट होगा। ठीक, उस जो इस वैरेक्टर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज तुमने अप्लाई किया होगा उस वोल्टेज पे डिपेंडेंट होगा। और हमें क्या चाहिए, हम तो ये चाहते हैं कि इस ये जो कैपेसिटेंस है ये कैपेसिटेंस मैसेज सिग्नल के वोल्टेज पे डिपेंड करे। दैट मींस अगर हम यहां से अगर हम मैसेज सिग्नल यहां पे अगर हम मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट कर दें तो अब देखो ये जो वैरेक्टर डायोड है ये डिपेंडेंट है इस मैसेज सिग्नल। ठीक, अब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इस कैपेसिटेंस को चेंज करेगा। अब यहाँ पे देखो जो तुम्हारी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पे जो सी इक्विवेलेंट था, इस सी इक्विवेलेंट की वैल्यू अब चेंज हो गई है। कैसे? दो कैपेसिटेंस यहाँ पैरेलल में लगे, अभी तक एक ही कैपेसिटेंस था, अब दो कैपेसिटेंस यहाँ पैरेलल में लगे। और हमें पता है कि भाई कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंस क्या होगा, C1 प्लस C2। तो अब जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2 इनटू C1 प्लस C2। जहां पे ये जो C2 है ये तुम्हारा डिपेंडेंट है मैसेज सिग्नल पे। बेटा एक मिनट के लिए होल्ड करना। तो ये बात समझ गया है कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। देखो हमने देखा कि हमारा जो वैरेक्टर डायोड है। हेलो सर। हाँ सर, आपकी वॉइस बहुत धीमी आ रही है सर। एक मिनट। अभी वॉइस ठीक है? हाँ सर ठीक है। यहाँ हमने क्या देखा कि हमारे पास एक वैरेक्टर डायोड था, उस वैरेक्टर डायोड के साथ प्रॉपर्टी क्या थी कि उसका कैपेसिटेंस, उसका जो इंटरनल कैपेसिटेंस होता है
वो कैपेसिटेंस उसके अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज के साथ चेंज होता है, और ये अप्लाइड वोल्टेज जो रहेगा ये रिवर्स बायस वोल्टेज रहेगा। ठीक है, अगर रिवर्स बायस में आपने रिएक्टर डायोड को कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद जब जैसे जैसे आप वोल्टेज चेंज करोगे वैसे वैसे ये डिप्लीशन विड्थ चेंज होगी। ठीक, अगर तुम वोल्टेज इंक्रीज करोगे डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज करेगी, वोल्टेज डिक्रीज करोगे डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज होगी। अब समझो, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज जब होगी तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा होगा, और डिप्लीशन विड्थ जब डिक्रीज हो रही होगी तो उस टाइम कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, देखो डिप्लीशन विड्थ और मैसेज सिग्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस और विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगेन ये जो कैपेसिटेंस है वो फ्रीक्वेंसी से अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। हमने मैसेज सिग्नल के वोल्टेज से विड्थ को चेंज किया, विड्थ के चेंज होने की वजह से कैपेसिटेंस चेंज हुआ, कैपेसिटेंस के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ। अब ये जो पूरा पार्ट है ये तो हमने रेड ब्लॉक में कवर अप किया। इस पूरे ब्लॉक को हम बोलते हैं VCO या वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। तो हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है ना। तो यहां हमें क्या समझा कि भाई देखो ऑसिलेटर था नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। ठीक, हमें एक ऐसी चीज चाहिए थी जो मैसेज के साथ फ्रीक्वेंसी को अपनी चेंज करे, तो हमने क्या लिया, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। अब ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर कैसे बना है, उसमें एक वैरेक्टर डायोड लगाया गया। तो अगर हम डायरेक्ट मेथड को ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो वो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से बन सकता है। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, मैसेज सिग्नल एज अ इनपुट, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, एस एफ एम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैसेज सिग्नल इंक्रीज होगा, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या होगा, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होगी। ये मैसेज सिग्नल क्या कर रहा है, रिवर्स बायस प्रोवाइड करा रहा है वैरेक्टर डायोड, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होगी। जब डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होगी कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। जब ये कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा होगा तो तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। अब देखो हमने यही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यही समझा था, जैसे जैसे मैसेज सिग्नल पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। हमने अभी देखा था कि मैसेज सिग्नल जब पॉजिटिव होता है तो एफ आई ग्रेटर देन एफ सी, मैसेज सिग्नल जब नेगेटिव होता है तो एफ आई लेस देन एफ सी। ठीक, इस बात को समझना कि मैसेज सिग्नल नेगेटिव होने का मतलब क्या है, तुमने जो रिवर्स बायस की पोलरिटी लगाई थी उसे यहाँ पे अगर पोलरिटी लगाओगे तो कैसे लगाओगे, ये तुम्हारा पी है ये एन है, तो पोलरिटी तुमने कुछ इस तरह से लगाई होंगी, इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर हम बोल रहे हैं कि मैसेज सिग्नल नेगेटिव है यानी मैसेज सिग्नल का नेगेटिव हाफ अगर नजर आ रहा है, दैट मीन्स इधर नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव दिखाई देगा और पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव दिखाई देगा, और ये जो वैरेक्टर डायोड है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होगा वो कुछ ना कुछ फॉरवर्ड बायस दे रहा होगा,
और फॉरवर्ड बायस की वजह से डिप्लीशन रेट डिक्रीज कर रही होगी, मतलब हमारी दूसरी कंडीशन। जब मैसेज सिग्नल डिक्रीज कर रहा होगा, मैसेज सिग्नल जब डिक्रीज कर रहा होगा तो डिप्लीशन रेट भी हमारी डिक्रीज करेगी। डिप्लीशन रेट हमारी डिक्रीज करेगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, और कैपेसिटेंस जब इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। इतनी बात में किसी को कहीं कोई डाउट? अब लेकिन इस मेथड, ये मेथड तो काफी इजी था और काफी सही था, लेकिन यहाँ अपनी एक लिमिटेशन थी इस सर्किट की, कुछ अपनी लिमिटेशन थी। अब लिमिटेशन ये थी कि ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर से मिलके बना हुआ ऑसिलेटर है, ये ऑसिलेटर में स्टेबिलिटी का इश्यू होता है। इन ऑसिलेटर्स में स्टेबिलिटी का इश्यू होता है, मीनिंग ये ऐसा नहीं है कि ये हर टाइम एक फिक्स फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर सके। इनके साथ ये दिक्कत क्या है कि ये स्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं कर सकते, है ना, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक मेजर दिक्कत जो इनकी थी, अब जरा इमेजिन करो कि मान लो हमने जब रेडियो चैनल अपना खोला होता, मतलब 98.3 अगर हमने खोला हो, ठीक, और हमने वहाँ पे जो अपने सॉन्ग्स को सेंड करने से पहले जो उनको मॉड्यूलेट किया, वो हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ किया, ठीक। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करने के लिए हमने जनरेशन के लिए मेथड जो यूज़ किया वो डायरेक्ट मेथड था। जब हमने इनिशियली उसको यूज़ किया तो हमें पता था कि हमारी हमारे जो चैनल की जो करियर फ्रीक्वेंसी है वो 98.3 मेगाहर्ट्ज़ है, 98.3 मेगाहर्ट्ज़ है। दैट मीन्स हमने इनिशियली अपना जो ये ऑसिलेटर था, इसकी जो करियर सिग्नल जो इससे जनरेट किया वो 98.3 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे जनरेट किया, ठीक, पहले राउंड में जब पहला सॉन्ग हम प्ले करने की बात कर रहे थे, ठीक। उस टाइम इसने बढ़िया 98.3 मेगाहर्ट्ज़ पे करियर जनरेट किया और उस करियर का सॉन्ग के साथ मॉड्यूलेशन हुआ, मतलब उस करियर की फ्रीक्वेंसी उस मेरे सॉन्ग के एम्पलीट्यूड के साथ वेरी हुई, उस पर ट्रांसमिशन हुआ। किसी रिसीवर ने 98.3 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो मिर्ची चैनल में आप सुन रहा था, ठीक, रिसीवर उस चैनल पे उस गाने को सुन रहा था। अचानक कुछ देर बाद मेरा जो ये ऑसिलेटर था, क्योंकि इस ऑसिलेटर के साथ दिक्कत है कि ये स्टेबल नहीं है, अब स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, कुछ देर बाद अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा। मीनिंग अभी तक ये 98.3 मेगाहर्ट्ज पे काम करा रहा था, करियर सिग्नल भेज रहा था 98.3 मेगाहर्ट्ज पे, मे बी अब ये 99.2 मेगाहर्ट्ज पे भेजने लगा। अब सोचो जो रिसीवर है वो अभी तक तो गाने सुन रहा था, अचानक से तुमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, उसको पता ही नहीं चला, वो तो कह रहा कि लो ये कैसा एफएम चैनल है, चल ही नहीं रहा है ना। तो ये जो स्टेबिलिटी इश्यूज है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हर गाना सुनने के बाद तुम नॉब चेंज करके अपनी जेब अपने